मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अम्मा के खाते से पैसा उड़ाने वाला भांजा चढ़ा पुलिस के हत्थे। संगम नगरी प्रयागराज में साइबर क्राइम ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले शातिर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त भूतपूर्व सूबेदार मेजर के खातों से लाखों रुपए की ठगी की थी। यह ठगी उस समय की है जब सूबेदार की पोस्टिंग जम्मू कश्मीर थे। साइबर अपराधों के आवरण के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम राजकुमार के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार की टीम ने किया है। भूतपूर्व सूबेदार मेजर ने ठगी की शिकायत धूमनगंज थाना क्षेत्र में की थी। उसी समय से साइबर क्राइम की टीम लगी हुई थी। ईपी एड्रेस से पुलिस ने इस शातिर अभियुक्त जो कि मेजर का भांजा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। टीम ने अभियुक्त के पास से ठगी के दौरान इस्तेमाल की गई सिम भी बरामद की है। अभियुक्त के ऊपर विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। आइए सुनाते हैं अजीत सिंह चौहान साइबर सेल इंचार्ज ने क्या। सूबेदार मेजर गोपाल सिंह जो कि सुलेमसराय में रहते हैं, ये जेएनके में पोस्टेड थे और इनका आवाज यहाँ सुलेमसराय में ही है और यहाँ पे इनका भांजा भी इनके साथ रहता है जिसका नाम अनु सिंह है। और 2020 में लगातार इनके दो अकाउंट से जब जेएनके में रह रहे थे लगभग 6,14,326 रुपए निकाला गया। इस संबंध में उनके द्वारा श्रीमान आईडी महोदय से के सामने प्रस्तुत होकर एक एप्लीकेशन दिया गया और जिसके आधार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ और इसकी इस अभियोग की विवेचना इंस्पेक्टर राजीव तिवारी जी के द्वारा की गई और इनके जो टीम मेंबर्स हैं साइबर क्राइम के इन सभी लोगों ने अपना अथक प्रयास करके आईपी एड्रेस वगैरह के माध्यम से अनुज सिंह की गिरफ्तारी द्वारा सुनिश्चित की गई। और दौरान योजना ये बात प्रकाश में आई कि जो इनका भांजा अनुज सिंह था इसने अपने मोबाइल में एनी डेस्क ऐप एक इंस्टॉल कर लिया था और अपने मामा के मोबाइल फ़ोन में भी एनी डेस्क ऐप इंस्टॉल किया और उसमें UPI भी एक्टिवेट किया और उनके अकाउंट को उसने एयरटेल बैंकिंग अपने मोबाइल में वो कनेक्ट कर लिया और उनका रिमोट एक्सेस प्राप्त करके अपने मामा के मोबाइल फ़ोन का श्री गोपाल सिंह को लगातार ये जो भी पासवर्ड्स वगैरह आते थे या नंबर्स आते थे वो लगातार ये प्राप्त कर लेता था और उसे तुरंत रिमोट एक्सेस से डिलीट कर देता था। और इस तरह से वो एयरटेल बैंकिंग में अपना जो मोबाइल फ़ोन में है उसमें वो सभी पैसों को ट्रांसफ़र करने के बाद पुनः उन्हें अपने पर्सनल जो सेविंग अकाउंट है उनमें ट्रांसफर कर दिया करता है या अपने अन्य परिवारजनों के अकाउंट। कितने पैसे इसने उड़ाए थे और कितने इसमें आप लोगों ने ज़्यादा कुछ उड़ा नहीं पाया है उसने केवल ये निकाला ही। और क्योंकि अभी ये खुद यहाँ पे पढ़ाता है BCS ने खुद किया हुआ है और खुद ये कंप्यूटर कोचिंग करता है प्रीतम नगर का, तो इसके इतने भी खर्चे थे नहीं लेकिन इसने एडवांस में पैसे बाकी अपने अकाउंट्स में रखा था और वो अकाउंट्स जो है वो सीज किए गए। कोई ऑफर नहीं पहले से कोई ऑफर नहीं। हंड्रेड परसेंट नहीं लेकिन 95% देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।